प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद। कहा, स्वच्छता ही सबसे बड़ी है सेवा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा, देश के कुछ नेता विदेशों में जाकर भ्रामक बयान देकर देश की कर रहे हैं छवि खराब। ऐसे बयान देना है दुर्भाग्यपूर्ण। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जयपुर में राज्य स्तरीय पोषण कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में पोषण से संबंधित कार्यों और योजनाओं पर की गई चर्चा। एक सितंबर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की होगी शुरुआत। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगी बैंकिंग की विशेष सुविधाएं। और भारत की महिला धावक दुती चंद ने 200 मीटर स्पर्धा में रजत पदक किया अपने नाम। टेबल टेनिस में मिला कांस्य पदक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने विजेता टीम और खिलाड़ियों को दी बधाई। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेंद्र हंस और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नमो ऐप के जरिए वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से संवाद किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छता ही सबसे बड़ी सेवा है और हर नागरिक को स्वच्छता के प्रति जागरूक रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान चलाया जाएगा। देशवासियों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के भाजपा पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ नमो ऐप के जरिए संवाद किया। प्रधानमंत्री ने लोगों से 15 सितंबर से शुरू हो रहे स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन वाराणसी में होगा। अगले महीने 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा का एक देशव्यापी अभियान शुरू हो रहा है। इस दौरान हम सब मिलकर काशी में क्या क्या कर सकते हैं, इसकी योजना अभी से बनानी चाहिए। दूसरा, आगामी 21 से 23 जनवरी तक प्रवासी भारतीय दिवस काशी में आयोजित होने वाला है। दुनिया भर के भारतवंशी काशी आएंगे तो वे काशी की कौन सी छवि लेकर जाएंगे, इस पर हम अभी से सोचें और कुछ न कुछ योगदान दें। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा कि देश के कुछ नेता विदेशों में जाकर भ्रामक बयान देकर देश की छवि खराब कर रहे हैं। भाजपा मुख्यालय में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी ने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का आईएसआईएस से जुड़ा बयान दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि उनके बयान से विदेशों में यहाँ के युवाओं की छवि खराब हो रही है। ये बात कहना वहां जाकर मॉब लिंचिंग के बारे में, एसिस के बारे में, मुस्लिम समाज के बारे में और एक बहुत ही इरिस्पॉन्सिबल एक्ट जो मैं कहता हूँ, मानता हूँ, वो लंदन में जाकर खालिस्तान समर्थक लोगों के बीच में जाकर भाषण देना और उनके सामने हिंदुस्तान के खिलाफ नारेबाजी हुई है। मैं समझता हूँ कि शायद कांग्रेस के लोगों ने झूठ बोलने का ठेका ले रखा है। राजनीति में लड़ाई बैलेट की होती है, ना हाथों से होती है ना पत्थरों से होती है, लेकिन एक दो जगह इस ढंग से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यात्राओं के ऊपर पत्थरबाजी करने की घटनाएं की हैं, ये बहुत निंदा के योग्य हैं। 1 सितंबर में आएंगे, उनका ऐसा एक प्लानिंग है हमारी कि वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता तक मिले। अलग अलग कार्यक्रम बनेंगे लेकिन ऑलमोस्ट चुनाव के संबंध में भी वो बूथ लेवल के कार्यकर्ता को मिले। हमने भी तय किया है, पार्टी ने भी, यहाँ पर प्रदेश ने भी, कि जैसे जहाँ यात्रा जा रही है, अगर यात्रा का भी टाइम है उससे पहले और यात्रा के बाद में भी अलग अलग टाइप के सम्मेलन, सीधा इंटरेक्शन कार्यकर्ता से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी करेंगे। 69वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जयपुर के समीप जामड़ौली में आयोजित किया गया।
वन और पर्यावरण मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने वन क्षेत्र में बरगद का पौधा लगाकर महोत्सव का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी, स्काउट गाइड्स, एनसीसी कैडेट्स और आमजन उपस्थित रहे। इस मौके पर वन मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने कहा कि महोत्सव के दौरान 113 हेक्टेयर में औषधि और अधिक ऑक्सीजन देने वाले पौधे लगाए जाएंगे। वहीं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी ने वनों को जीवन का अभिन्न अंग बताया। समारोह के दौरान वन और पर्यावरण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। पहले 10 हेक्टेयर के अंदर डेवलपमेंट किया था, अब जो है हमारा जो डेवलपमेंट है 103 इसके अतिरिक्त आ जाएगा, यानी कि 113 हेक्टेयर के अंदर मेडिसिनल प्लांट लगेंगे, जड़ी बूटियाँ लगेंगी, हमारे जो नेचुरल पेड़ पौधे लगेंगे और जनता के लिए खुला रहेगा। इसको हम एक मैनिक्योर टाइप का पार्क नहीं बनाएंगे, पर ये एक नेचुरल टाइप का पार्क होगा और इसके अंदर जनता जो है आके 113 हेक्टेयर में घूम पाएगी। पोषण अभियान के तहत जयपुर में एक राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित इस पोषण कार्यशाला में लोगों को कुपोषण से दूर करने के लिए शपथ भी दिलाई गई। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रमुख शासन सचिव रोली सिंह ने सभी को कुपोषण से मुकाबला करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम में पोषण से संबंधित कार्यों और योजनाओं पर भी चर्चा की गई। सितंबर का महीना हमेशा से ही पोषण वीक मनाया जाता था, पर अब इसको पोषण माह के रूप में मनाने के निर्देश हैं और हमारी चीफ मिनिस्टर साहब ने भी 15 अगस्त को पोषण माह को मनाने के लिए आह्वान किया है। इसमें बेसिकली जहाँ जहाँ पे हमारे आंगनवाड़ीज़ हैं, जहाँ पे भी हैं, वहाँ पे एक तरह का जागरूकता अभियान आंगनवाड़ी को केंद्र में रखते हुए चलाया जाएगा, जिसमें कम्युनिटी को जोड़ा जाएगा, माताओं को और उनके फैमिलीज़ को भी जोड़ा जाएगा, जनप्रतिनिधियों को जोड़ा जाएगा और जितने हमारे विभाग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जैसे कि मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट है और पंचायती राज है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, वो सब मिल के इसमें एक इसको जन आंदोलन का रूप देंगे। स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 को लेकर उदयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नगरीय विकास मंत्री श्रीचंद कृपलानी, स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक वी के जिंदल सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। कार्यशाला में स्वच्छ भारत मिशन के निदेशक रोहित कक्कड़ ने प्रदेश भर से आए नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को सर्वेक्षण के बारे में नवीनतम जानकारी दी। पहले से बहुत सुधार किए और इस बार हमारा प्रयास है कि 2019 के सर्वे में 2018 के मुकाबले भी और बेहतर प्रदर्शन करें और कम से कम राजस्थान के 2 या 3 शहर पहले 10 शहरों में पूरे देश में पहले 10 शहरों में शामिल हो सकें। आज हमारे बीच यहाँ पे नेशनल मिशन डायरेक्टर स्वच्छ भारत मिशन श्री वी के जनरल मौजूद हैं, उनके साथ उनकी पूरी टीम आई है जो कि बहुत विस्तार से इसकी कार्यप्रणाली क्या रहेगी उसके बारे में जानकारी दे रही है। जयपुर में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के तहत खड्डा बस्ती से जयपुर सिंहपुरा खौर में स्थित जेडीए कॉलोनी में पुनर्वासित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए विशेष कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में हवा महल विधानसभा क्षेत्र के बूथ लेवल के अधिकारी सहित कर्मचारियों ने रहवासियों के पहचान पत्रों से संबंधित दस्तावेज जमा किए। इस मौके पर बूथ लेवल के अधिकारी डॉक्टर विमल यादव ने बताया कि बड़ी संख्या में लोग मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वा रहे हैं। खड्डा बस्ती थी जिनको यहाँ प्रतिस्थापित किया गया है, तो कलेक्टर महोदय के आदेशानुसार मतदाता सूची में अपना पहचान पत्र बनाने के लिए यहाँ पर कैंप आयोजित किया गया है ताकि सभी अपने मतदान कर सकें और मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकें। 3 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी लोक एवं जनजातीय कला प्रदर्शनी की शुरुआत आज से जयपुर में हुई। संगोष्ठी के उद्घाटन सत्र के दौरान पर्यटन, कला और संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका, राजस्थान ललित कला अकादमी के अध्यक्ष अश्विन एम दलवी, कार्यक्रम के संयोजक सीएस मेहता सहित कला जगत से जुड़े गणमान्य नागरिक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। इस मौके पर कला और संस्कृति विभाग के प्रमुख शासन सचिव कुलदीप रांका ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से लोक एवं जनजातीय कला को आगे बढ़ाने का अवसर मिलता है। और हम सब जानते हैं कि जो ट्राइबल और फोक आर्ट्स हैं वो भारतीय सभ्यता और संस्कृति में काफ़ी विकसित हैं, तो जो ट्राइबल आर्ट और फोक आर्ट है जिससे कि उसके साथ जीने वाला जो आदिवासी है, जो सुदूर डेजर्ट क्षेत्र का निवासी है या गांव में बसने वाला व्यक्ति है, उसको किस प्रकार से आर्ट और क्राफ्ट के साथ उसके रोज़गार से भी जोड़ सकें,
उसके हुनर को नया आयाम दे सकें और हमारी जो संस्कृति विरासत के रूप में हज़ारों वर्ष से हमारे साथ हैं उसको कैसे आज के युग में प्रासंगिक बना सकें उसके लिए ये सिंपोजियम किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से आगामी 1 सितंबर को देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की शुरुआत की जा रही है। दूरदर्शन से विशेष बातचीत करते हुए राजस्थान परिमंडल के डाक सेवा के निदेशक NR मीना ने बताया कि इस सेवा के तहत राजस्थान में 10,309 पोस्ट ऑफिस के जरिए लोगों को डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि जहां एक ओर इसके जरिए लोग सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे वहीं पानी बिजली जैसे बिलों का भुगतान भी आसानी से किया जा सकेगा। 1 सितंबर को प्रधानमंत्री जी तालकटोरा स्टेडियम से इसका उद्घाटन करेंगे। हमारे राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में 33 ब्रांच और 132 एक्सेस पॉइंट के अंदर पेमेंट बैंक का काम शुरू हो जाएगा। वृद्धावस्था पेंशन है, पूरे राजस्थान में कितने वृद्धावस्था पेंशन लोग ले रहे हैं एक साथ उनके खाते के अंदर हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। मनरेगा का पेमेंट है वो भी उनके खाते में जा सकता है। अपने पानी का, बिजली का, ट्यूशन फीस का बिल, जो भी सरकार को अगर कोई ड्यूज है वो भी इस खाते के माध्यम से वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पोस्टमैन जो होगा उसके हाथ में एक हैंड डिवाइस होगा, उस पर आप कॉल करके पोस्टमैन आपके घर ला करके पैसे दे सकता है, आपके पैसे भी जमा कर सकता है। तो जस्ट लाइक एक माइक्रो ATM उसके हाथ में होगा। तो इस देश के अंदर टेक्नोलॉजी को ग्रास रूट तक, जो बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं उन लोगों तक पहुँचाने का हमारे प्रधानमंत्री जी का एक प्रयास है। स्वच्छ भारत मिशन योजना के तहत देश भर में काफ़ी काम हो रहा है। बांसवाड़ा जिले में इसके अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इस योजना के शुरू होने से अब तक 3,32,000 शौचालय बनाए जा चुके हैं। बांसवाड़ा जिले को ODF घोषित किया जा चुका है। योजना के तहत बने शौचालयों का उपयोग भी शुरू हो गया है। स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण योजना के तहत गाँव और कस्बों में रैलियाँ निकालकर स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है। जिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर भंवरलाल ने बताया कि शीघ्र ही घर घर जाकर कचरे का संग्रहण कर इसका निस्तारण किया जाएगा। जो भी परिवार बेसलाइन सूची में नाम आते हैं उन सभी ने शौचालय का निर्माण कर लिया है। साथ ही साथ हमें ये देखने की आवश्यकता है कि वह सभी लोग शौचालय का उपयोग करें, क्योंकि जो स्वच्छ भारत मिशन है इसके पीछे जो मंशा है वह है कि कहीं ना कहीं इस सोच में बदलाव लाना कि हमें खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। अगस्त माह के अंदर 1 तारीख से लेकर 30 तारीख तक, 30 अगस्त तक ODF निरंतरता स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 वो महावारी सप्ताह महावारी महीने के रूप में मनाया जा रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 कार्यक्रम चल रहा है। इसके तहत विभिन्न ग्राम पंचायतों में सभी सार्वजनिक टॉयलेटों को सफाई की जा रही है और गांव में स्वच्छता ऐप के मार्फत स्वच्छता जागरूकता का अभियान चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना यानी सहज बिजली हर घर योजना लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। इस योजना ने कई गांवों को रोशन कर दिया है। सिरोही जिले के डाबेला भागली गांव में बिजली आना एक सपने के समान था, लेकिन सौभाग्य योजना ने इस गांव की तकदीर बदल दी है। अब यह गांव बिजली से जगमगा रहा है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से है, इसमें एक पंखा भी चलता है और 5 ट्यूबलाइट है। इसके लिए बच्चों को पढ़ने में अब दिक्कत नहीं होती है। पहले हम अंधेरे में बैठते थे, हर काम में परेशानी होती थी। हम अब रात्रि में भी 10 बजे तक कोई भी कार्य कर सकते हैं। मंत्री की जो योजना थी लेट आई, जो अच्छा हुआ ने अभी पंखा लगा घर घर। 60 की उम्र पहली बार लेट योजना अच्छी हुई है। ताबेला भागली गांव में बिजली न होने से विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, उनकी पढ़ाई में व्यवधान आता था, लेकिन सौभाग्य योजना के तहत अब ग्रामीण बेहद खुश हैं। बहुत अच्छे के अभी इतने साल पहले लाइट भी नहीं थी, इसलिए अपने पढ़ाई के लिए भी दिक्कत होती थी। अब अच्छा ही है। अंधेरे में पढ़ाई करनी पड़ती थी, तेल का दिया जलाना पड़ता था, फिर पढ़ाई करनी पड़ती थी, लेकिन अभी लाइट आने से बच्चों का भविष्य भी सुधर जाएगा, क्योंकि अब पढ़ सकते। विधानसभा चुनाव में EVM VVPAT के प्रचार प्रसार और प्रशिक्षण के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मतदान केंद्रों सहित सार्वजनिक स्थानों पर इन मशीनों को प्रदर्शन किया जा रहा है।
हनुमानगढ़ में जिला निर्वाचन विभाग की ओर से इसके लिए वैन रवाना की गई है। इन मशीनों के माध्यम से मतदाताओं को वीवीपैट की कार्यप्रणाली समझाई जाएगी। मशीनों के प्रदर्शन के समय पटवारी, कृषि पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जैसे लोग मौजूद रहेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी दिनेश चंद जैन ने बताया कि इस दौरान कोई भी व्यक्ति ईवीएम वीवीपैट का प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। ईवीएम और वीवीपैट के प्रदर्शन के लिए हमने वाहन रवाना किए। वाहन सभी मतदान केंद्र और ग्राम पंचायत ग्राम में जाएंगे और किस तरह से उसका वोट वीवीपैट मशीन में दिखेगा वोट डालने के बाद उस प्रक्रिया को समझे। ये एक पारदर्शिता लाने का एक अभिनव प्रयोग इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया गया है और उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था हमने आज से शुरू की है। चूरू जिला मुख्यालय पर बीकानेर संभाग सहित सीकर और झुंझुनू के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की संकल्प महारैली का आयोजन किया गया। महारैली को प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित राष्ट्रीय प्रभारी अविनाश पांडे ने भी संबोधित किया। आजीविका परिषद की ओर से बूंदी में मेगा ऋण वितरण शिविर का आयोजन किया गया। जिला कलेक्टर महेश चंद्र शर्मा समारोह के मुख्य अतिथि थे। शिविर में जिले की 301 महिला स्वयं सहायता समूहों को 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि के चेक वितरित किए गए। जिला कलेक्टर ने बताया कि जिले में स्वयं सहायता समूह अच्छा काम कर रहे हैं और उन्हें जिला प्रशासन से भी मदद देने के प्रयास किए जाएंगे। बूंदी जिले में राजीविका के तहत काफी अच्छे स्वयं सहायता समूह बने हैं। पूरे जिले में जो महिलाओं के स्वयं सहायता समूह है काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। बैंकर्स का भी सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। जब जब भी उनको ऋण राशि की आवश्यकता हुई है बैंकर्स ने इस प्रोग्राम के तहत। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की ओर से कोटा जिले के ग्रामीण महिला समूहों को 7,34,00,000 रुपये के ऋण वितरित किए गए हैं। ग्रामीण महिलाओं को साहूकारों के कर्ज से मुक्ति दिलाने और उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद का संचालन किया जा रहा है। परिषद द्वारा विभिन्न बैंकों के माध्यम से मिलने वाले ऋण से स्वयं सहायता समूह की महिलाएं अपना रोजगार कर रही हैं। इस कार्यक्रम के द्वारा राजस्थान सरकार की जो वेलफेयर स्कीम्स है और जो हमारी ग्रामीण बहनें हैं उनको हम स्वयं सहायता समूह के रूप में उनका गठन करते हैं, फिर उनको हम सरकारी बैंक से लिंकेज कराते हैं ताकि वो अपना खुद का व्यवसाय चला सके और अपने जीवन में जो हमें उनको जो आर्थिक मदद की जरूरत है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो रही है। जोधपुर के कोऑपरेटिव बैंक शाखा में 5,000 से भी अधिक किसानों की फसल का बीमा किया गया है। बैंक प्रबंधक एकता जागर ने बताया कि हम अब तक करीब 3,66,00,000 का क्लेम दे चुके हैं। यहां किसानों के खातों में सीधा हस्तांतरित किया गया है। केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना का दायरा बढ़ाते हुए इसके तहत खेत से खलिहान तक बीमा का प्रावधान किया गया है। किसानों की परेशानियों को देखते हुए फसल कटाई के बाद 2 सप्ताह तक प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान को भी इसमें शामिल किया गया है। कोऑपरेटिव बैंक से जुड़े किसानों के लगभग 5,000 से अधिक किसानों का इस वर्ष फसल बीमा किया गया है। इस वर्ष कुल 9,591 पॉलिसीज शाखा की जनरेट हुई है जिसका लगभग 63 लाख बीमा 63 लाख प्रीमियम किसानों को बीमा करके आगे कंपनी को भेजा गया है। बीकानेर के नाल थाना क्षेत्र में पुलिस ने 2 टैंकर जब्त कर भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। यह अवैध अंग्रेजी शराब हरियाणा से गुजरात ले जाई जा रही थी। पुलिस ने बताया कि टैंकर में करीब 2,500 अंग्रेजी शराब के कार्टन भरे हुए थे। नाल थाना पुलिस अधिकारी बूटा सिंह ने बताया कि बरामद शराब की कीमत लगभग 1 करोड़ रुपए है। मोहरी पर नाकाबंदी की गई। नाकाबंदी के दौरान 2 टैंकर आए जिनको शराब देकर रुकवाया, रुकवा कर उनको चेक किया गया तो उनमें अवैध शराब पड़ी हुई थी। आगे की कार्रवाई आइंदा होगी। 18वें एशियाई खेलों में भारत की महिला धावक दुति चंद ने आज 200 मीटर स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया। दूसरी ओर महिला खिलाड़ी मनिका बत्रा और उनके पुरुष जोड़ीदार अचंता शरत कमल की जोड़ी ने टेबल टेनिस की मिश्रित युगल वर्ग स्पर्धा में कांस्य हासिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने ट्वीट कर खिलाड़ियों को बधाई दी है। मिक्स्ड डबल्स इवेंट एट द एशियन गेम्स इन जकार्ता ऑन वेडनेसडे इवनिंग कमल एंड बत्रा वन ब्रॉन्ज आफ्टर लूजिंग 9-11, 5-11, 13-11, 4-11, 8-11 टू चाइनाज वांग क्वीन एंड
सुंग इंगशा इन द हमें चाहिए कि हम पूरा का पूरा जो एफर्ट है पूरे देश के हर नागरिक का हर कॉर्पोरेट का हर सरकार का हर राज्य सरकार का उसको कॉन्सेंट्रेट कर दें एक दिशा में। ये जब खिलाड़ी जब खेलते हैं तो इनको जो माहौल मिलता है जहाँ लगे कि हाँ हमें देखने वाले भी बहुत हैं, आपके मीडिया के माध्यम से फोटोग्राफ्स हुआ या टेलीविजन हुआ उसके माध्यम से घर घर तक जा रहे हैं तो एक एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है कि जो मैं सही कर रहा हूँ, जो दिशा में हूँ। और आइए अब देखते हैं 5 मिनट में 15 खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमो ऐप के जरिए वाराणसी के भाजपा कार्यकर्ताओं से किया संवाद, कहा स्वच्छता ही सबसे बड़ी है सेवा। 15 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान। भाजपा के प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने कहा देश के कुछ नेता विदेशों में जाकर भ्रामक बयान देकर देश की छवि खराब कर रहे हैं, ऐसे बयान देना है दुर्भाग्यपूर्ण। उन्हें 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव जयपुर के समीप जामणोली में किया गया आयोजित। वन मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने पौधा लगाकर की महोत्सव की शुरुआत। महिला और बाल विकास विभाग की ओर से जयपुर में राज्य स्तरीय पोषण कार्यशाला का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में पोषण से संबंधित कार्यों और योजनाओं पर की गई चर्चा। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 को लेकर उदयपुर में एक दिवसीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। नगरीय विकास मंत्री श्री चंद्र कृपलानी सहित स्वच्छ भारत मिशन के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे मौजूद। सितंबर से इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की होगी शुरुआत। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलेगी बैंकिंग की विशेष सुविधाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों की सराहना की, लोगों से खेल और फिटनेस से जुड़ी गतिविधियों को प्राथमिकता देने का किया आग्रह। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने खेल प्रतिभाओं और प्रदेशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने खेल प्रतिभाओं और देशवासियों को राष्ट्रीय खेल दिवस पर दी शुभकामनाएं। भारत के महानतम खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी को भी दी गई श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जैतारण में मरुधर केसरी पावन धाम में रूप मुनि जी महाराज की समाधि पर किए श्रद्धा सुमन अर्पित, कहा मुनि जी के रास्ते पर चलते हुए प्रदेश और देश के विकास में निभानी चाहिए अहम भूमिका। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा के तहत अब तक 38,000 से भी ज्यादा लोगों को मिल चुका है उसका लाभ। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में अब तक 7,500 वरिष्ठ नागरिकों को हवाई जहाज से और करीब 3,000 वरिष्ठ नागरिकों को रेल मार्ग से करवाई गई जाएगी यात्रा। एशियन गेम्स खेलों में पदक विजेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय खेल मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दी बधाई। एशियन गेम्स में भारत को मिला नवा गोल्ड, 800 मीटर में गोल्ड और सिल्वर भी भारत को। भारत ने बैडमिंटन महिला एकल में जीते रजत और कांस्य। तीरंदाज पुरुष कंपाउंड टीम ने जीता रजत पदक।
और प्रदेश के अधिकांश स्थानों सहित राजधानी जयपुर में भी अनेक जगह हुई बारिश, लोगों को मिली गर्मी से राहत। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।